गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा लाइफस्टाइल में आप सबका वेलकम है। तो आज मैं आप सबके साथ वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि वेज पुलाव कैसे बनाते हैं। तो उसमें जो जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सारे मैंने कट कर लिए हैं, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होती है मैंने कट कर लिए हैं, सारी तैयारी कर ली है कि उसमें क्या क्या डलता है। तो चलिए चलते हैं किचन में और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कैसे बनाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर दो गाजर को अच्छे से कट कर लिया है, दो बड़े साइज़ के आलू कट करे हैं, एंड यहाँ पे ये टमाटर का पेस्ट है, और यहाँ पे है धनिया, हरा धनिया, यहाँ पे है लहसुन एंड प्याज का पेस्ट, और यहाँ पे हरी मिर्ची का पेस्ट जिसे मैंने अच्छे से मिक्सर में पीस लिया है, और ये है एक कटोरी मटर, एंड यहाँ पे आधा कटोरी के करीब है मूँगफली, और दो इलायची एंड दो तेज़पत्ता। चावल आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे दो गिलास चावल लिया है। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुकर ले लिया है एंड गैस ऑन करके मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ सबसे पहले जीरा। जीरा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ हींग, दो बड़ी इलायची एंड दो तेज़पत्ता। ये अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन और प्याज का पेस्ट, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। लहसुन और प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसमें डाला है हरा मिर्च। अब इसमें डालना है मटर, मटर के बाद इसमें टमाटर की का पेस्ट डाल दिया। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक चम्मच हरा धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, और मैंने लिया है यहाँ पे दो चम्मच नमक। और ये नमक जो है आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, जितना भी आप खाते हो। एंड लिया है गरम मसाला, गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए मसाले अच्छे से जब भुन जाएंगे तो इसमें आप डालेंगे मूंगफली। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ मूंगफली। मूंगफली से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, थोड़ा क्रंची क्रंची सा लगता है। आप इसमें सोयाबीन भी डाल सकते हो। मसाले यहाँ पे अच्छे से भुन चुके हैं तो अब इसमें मैं डालूंगी वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ गाजर, अब इसमें डाल रही हूँ आलू। आप इसमें फूल गोभी, शिमला मिर्च, ये सब भी डाल सकते हो। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स डालोगे उतना ज़्यादा हेल्दी भी होगा और अच्छा भी लगेगा। तो सब्जियाँ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने देना है और दो मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाना है। जब तक हमारी सब्जियाँ दो मिनट के लिए अच्छे से पक जाती हैं तब तक चावल को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, मैं इसे कुकर के अंदर डाल दूंगी। मैंने कुकर में डाल दिए हैं, अब इसमें दो गिलास चावल के लिए मैंने यहाँ पे तीन गिलास पानी लिया है, इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है, वरना जो सब्जियाँ वो नीचे रह जाएंगी और चावल ऊपर ही रहेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड लास्ट में अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, इससे फ्लेवर और जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसका ढक्कन लगाकर इसको बंद कर देना है, जब तक इसमें दो सीटियां नहीं आती है तब तक इसे ओपन नहीं करना है। अगर कुकर को बंद कर देंगे और इसमें दो सीटियां आने का वेट करेंगे। सो, यहाँ पे कुकर को ओपन कर लिया है और अच्छे से वेज पुलाव बन चुके हैं, अब इसको सर्व करेंगे हम। इसको आप कर्ड के साथ भी खा सकते हो, और या फिर अगर आपके पास दही नहीं है तो इसके अंदर घी डाल के भी खा सकते हो, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। रेसिपी आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।